जब भी हम इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करते हैं, और एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या आपको पता है दोनों में कौन स्ट्रांग है? यस, आपको पता ही होगा वो फोर्स है इलेक्ट्रिकल फोर्स। लेकिन कैसे कैसे हम रियल लाइफ के साथ उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं? जैसे कि हम, अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, अगर हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस होती है वो 5.3 × 10⁻¹⁺ मीटर होती है, राइट? तो मैं अगर उस फोर्स को कैलकुलेट करता हूं, किस फोर्स की बात कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात कर रहा हूं, फोर्स कितनी खतरनाक बड़ी वैल्यू है उसकी, कितनी बड़ी वैल्यू आपको पता है? 10⁻³⁷। दैट इज अमेजिंग, दैट इज अ माइंड ब्लोइंग। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के अंदर कौन सा फोर्स एकदम मजबूत है, लेकिन उसको हम रियल लाइफ के साथ क्यों कनेक्ट नहीं कर पाते हैं? तो इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना पावरफुल है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज है, राइट, एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, उसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो 5.3 × 10⁻¹⁰ मीटर रहता है, हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। सो ये जो फोर्स है कुछ उसकी वैल्यू देगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब दो मास के बीच में अगर मेरे पास कोई डिस्टेंस है, अगर मैं इसको मेजर करता हूं, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत ही बड़ी वैल्यू देता है। कैसे? और एक ऐसा फोर्स जिसको दुनिया को एक अलग ही पहचान करके रखती है, एक ऐसा फोर्स जिसने मुझे, आपको, एटम को, मॉलिक्यूल्स को, पूरे दुनिया को एक अजीबो गरीब तरह से मतलब ऐसे पकड़ के रखा है। अगर ये फोर्स ना होता तो क्या होता? तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन आपके पास मेरे से एक करोड़ गुना ज्यादा पैसे है, तो ये कितने पैसे हो गए? तो ये पैसे बहुत ही बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी नहीं, बहुत ही बड़ी वैल्यू है। तो कुछ ऐसा ही है यहां पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना बड़ा है। तो एक समझाने के लिए हम यहां पे ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो करोड़ गुना नहीं, मेरे पास एक करोड़ के ऊपर और एक करोड़, उसके ऊपर और एक करोड़, उसके ऊपर भी और एक करोड़, ये जो वैल्यू आई ना उसके ऊपर भी एक और करोड़, और ये जो सब वैल्यू आई उसके ऊपर एक और करोड़, तो मुझे कुछ फैसिनेटिंग नंबर मिलेगा और वो रहेगा 10⁻³⁷। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है। मिलेगा तो यही है कि मैं और आप खड़े हैं, स्टेबल है, वर्ड्स टुगेदर ऐसा जोड़ के रखा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स हमको फील नहीं होता है, बट बात यही है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से मैं और आप एक जगह पे खड़े हैं। मैं और आपकी बात सुने, पूरी दुनिया इस जगह पे खड़ी है, पूरी थिंग जो इंक्लूड है वो सब कुछ इस फोर्स की वजह से। और ये फोर्स इतना खतरनाक है कि आज की जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसके साथ कनेक्ट कर पा रहा है। अगर ये ना होता तो, मैं आपको एक जस्ट बता रहा हूं कि अगर देखो मिरेकल की जब आप बात करते हैं, इतना मिरेकल फोर्स है, इतना मिरेकल है कि मैं और आप यहाँ पे खड़े हैं ना, और हमारे दोनों का जो डिस्टेंस है ना वो ही अपने आप में एक मिरेकल है। मान लीजिए कि ओनली 1% प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो क्या होगा? तो इतना रिपल्स करेगा कि अगर अर्थ को उठाने में जो फोर्स लगता है, हो सकता है हमारे बीच में फोर्स इतना ही मदद करता है, रिपल्स करेगा। सो ये इतनी पावरफुल है। तो Fe बहुत ही पावरफुल है। व्हाट इज Fe? इलेक्ट्रिकल फोर्स। मतलब हमारे पास जो भी हम देख रहे हैं, जो भी एटम्स हैं, दो मोलिक्यूल्स, मैं, आप, दुनिया, वर्ल्ड, ए मोबाइल, व्हाट एवर इट इज, इन सब की बदौलत एक ही है, और ये फोर्स रहेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स। और इलेक्ट्रिकल फोर्स ने पूरी दुनिया में एक नया मतलब टेक्नोलॉजी को हेल्प करने में बहुत मदद की है, और इसकी वजह से ही मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उसकी वजह से ये लाइटिंग है, इसकी वजह से ही ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इसकी वजह से ही मैं डे बाई डे टेक्नोलॉजी को सही से यूज कर पा रहा हूँ। And this is the power of electrical force. That's it.